सो गाइस, आज मैंने एक वीडियो बनाया और वो वीडियो बनाते टाइम मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ और बहुत ज्यादा शर्म आई। क्यों आई वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा, और वो फेस्टिवल के रिलेटेड है, तो मैं किसी फेस्टिवल को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूँ। अब फेस्टिवल मनाई है पर ऐसे तरीके से कि किसी को हार्म ना पहुंचे। तो आज हम लोग को भी बहुत दुख हुआ ये वीडियो बनाते टाइम, और आप ये वीडियो पूरा देखना। और मैं बोलना चाहता हूँ कि जो मैंने किया है वो क्या मैंने सही किया, पूरा देखना वीडियो, और एंड का एक मैसेज है, प्लीज देखना उसको। हम लोग ये रोड से रोज साइकिलिंग करते हैं, तो हम लोग ऐसे ही रैंडमली यहाँ पर आ गए थे, और मैं आया तो हम लोग ने क्या देखा, क्या आपको पता है कि गणपति विसर्जन और दुर्गा माता के विसर्जन के बाद उसके एग्जैक्टली दूसरे दिन क्या होता है? नहीं पता तो ये वीडियो पूरा देखें। आप देख सकते हो मेरे पीछे श्री दुर्गा माता की मूर्ति पड़ी है। हम 7 दिन 8 दिन 9 दिन भगवान को घर पर रखते हैं, एकदम पूजते हैं भगवान को, और उसके बाद ये हालत होता है। क्या ऐसा जरूरी है हमें कि फेस्टिवल मनाना चाहिए ऐसा? विसर्जन करने के बाद घर पर जाके अपने अपने घर पर जाके सो जाते हैं, पर ये मूर्तियों के साथ कुछ ऐसा होता है। बहुत लोग जो इको फ्रेंडली बना रहे हैं वो तो अच्छा है, पर जो काश्मीर की मूर्तियां बना रहे हैं उसका तो हाल होगा। ये देखो, ये हाल होगा, और ये देखो जो उसके जो पार्ट है, ये देखो, ये हाल होगा। देख सकते हो, आप देख सकते हो बीच में हाथ पड़े हुए, पूरी रिवर कॉलेड हो गई है, और जो रिवर के अंदर के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उनको इससे कुछ डर नहीं होता रहेगा। तो अभी हम ये सब मूर्ति को निकालने वाले हैं, तो आप देखते रहिए पूरा वीडियो एंड तक। और मैं आशा करता हूँ कि आप अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे, और कृपया करके इको फ्रेंडली मूर्ति लाए, ना कि ब्लास्टर की जो कि पूरी रिवर को पॉल्यूट करते हैं। तो अभी हम इसको बाहर निकालने वाले हैं, आप इसको कुछ शॉर्ट दे।
लोग ने यहाँ पे सब मूर्ति बाहर निकल, जितना हम लोग से हो सका उतना हम लोग ने किया। और हमारे पीछे एक बड़ी सी मूर्ति है दुर्गा माता की, वो यहाँ पर है, तो वो हम लोग नहीं निकल पाए। तो हम लोग से जितना ताकत था हम लोग ने उतना किया, हम लोग ने सब जितनी हो सकी मूर्ति बाहर निकाली। तो हम लोग आपसे यही एक निवेदन करते, एक आशा करते कि आप प्लीज़ ऐसा मत करें। पूरी रिवर भी पॉल्यूटेड होती है, आप अगर हो सके तो इको फ्रेंडली लाओ गणेश चतुर्थी पे, और ये नवरात्रि में हो सके तो इको फ्रेंडली मूर्ति खरीदो और इको फ्रेंडली उसका डिस्पोज करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है कि आप अगले साल ऐसा नहीं करोगे, ऐसा क्लिक देना अगर आप नहीं करने वाले पक्का, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ कि आप देख सकते हो इसका क्या डिसएडवांटेज है कि रिवर थोड़ी गंदी होती है और ये सब होता है, तो इसका डिसएडवांटेज है। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि आप भी ऐसा मत करो, और जितना हो सके शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।